नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। संविधान संशोधन आ परिमार्जन करित सब केओ के मिला के लजेबाक प्रधानमंत्री दाहाल के दृढ़ता, बाबूराम के कैलेट बराई। सभामुख अंसारी धरती के अगुवाई में बैसल सात दलक नेता सभा के बैसार बिना निष्कर्ष सम्पन्न, वार्ता जारी रखबाक दल सभा के निर्णय। निर्वाचन के मिति घोषणा भेल तो संसद सुचारू होबाक सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस के विश्वास, चुनावक मिति समस्या के समाधान होबाक विश्वास। एमाले अध्यक्ष केपी ओली के प्रश्न, भारत से आयल सब मदेशी आ पहाड़ से आयल मदेशी किया नहीं। आ संयुक्त राष्ट्र संघक महासचिव के जिम्मेवारी से विदा भ रहल मून, राष्ट्रपति चुनाव लड़बाक तैयारी में। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान संशोधन आ परिमार्जन करित लजेबाक दृढ़ता व्यक्त कलने। प्रधानमंत्री दाहाल जनता के और अधिकार सम्पन्न करा व समेत संविधान संशोधन आ परिमार्जन करित लजाय प्रभाग में तर्क रखलने। काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट प्रधानमंत्री दाहाल जनता के अधिकार नहीं देव षड्यंत्र भ रहा कहित वे विरुद्ध एकताबद्ध होब समेत सब में अपील कलने। वो एमाले प्रति संकेत करित कि शक्ति जनता के अधिकार नहीं देव, लोकतांत्रिक विधि आ प्रक्रिया विरुद्ध खार भ रहा कहित कटाक्ष समेत कने छला। यति चाहिँ संविधानमा भएको अधिकार पनि पुगेको छैन, त्यतिले पुग्दैन, यसलाई संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ, जनतालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्री दाहाल देश के एकताबद्ध बनाव समेत सभे पक्ष जुट परबाक बेर आयल बतौलन। देश में जातीय सम्प्रदायिक भड़काव किछु शक्ति लागि पड़ल कहित ओहि विरुद्ध एकताबद्ध होब परबाक में आवश्यक में जोर देलनि। प्रधानमंत्री दाहाल प्रक्रियावादी सब जनता के एकता के भार खोज रहल कहित समेत स्वयं सब हिमाल पहाड़ तराई के जोड़ लागल जिक्र के लेने छे। नेपाल राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न अझ बढी जोर लगाउनु, किनकि नेपालमा कहीं न कहीं सांप्रदायिकता भड़काएर जात जातिहरुको बीचमा पनि विभाजन ल्याउने, मधेश पहाड़ को बीच में विभाजन ल्याउने, पहाड़ हिमाल को बीच में विभाजन ल्याउने एउटा बुर्जुआहरुको प्रतिक्रियावादीहरुको एउटा षड्यन्त्र निकै तीव्र भएको छ अहिले। जनता के अधिकार सम्पन्न कराव जनयुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समेत प्रधानमन्त्री दाहाल स्मरण गराउन छला। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जनता आ राष्ट्र प्राप्त करने उपलब्धि बचाव माओवादी सब एक ठाव में खार होब पर बाक बेर आयल धारणा रखने। प्रधानमंत्री दाहाल माओवादी पार्टी फुटला पर आ परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर भेला पर जनता प्राप्त करने उपलब्धि उलटाब के कोशिश भ रहा समेत दावी कलने। पार्टी नेता तथा सांसद स्वर्गीय भक्ति प्रसाद पांडे के जीवन में आधारित पुस्तक चाचा के विमोचन करित प्रधानमंत्री दाहाल परिवर्तन के उलटाब के शक्ति धराप थापि के बैस रहा कहित चिंता समेत व्यक्त कलने। वो पछिल्का समय में गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता विरोधी शक्ति सब सलबला रहल कहित ओकरा चीर समेत खासकर परिवर्तन के अगुवा शक्ति माओवादी बीच मिलकर अगाड़ी बढ़ पड़बाक बेर आयल टिप्पणी कलने। प्रधानमंत्री दाहाल संविधान कार्यान्वयन के लिए माओवादी शक्ति सब एक ठाव में खार होब के विकल्प नहीं रहल समेत धारणा रखल। हामी दुई ठाउँमा त छौँ, तर देशको राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिले हामीलाई फेरि एकचोटि एकै ठाउँमा आउन बाध्य पार्दैछ। अब हामी इमान्दार छौँ, राष्ट्रप्रति जनताप्रति हामीले हिजो गरेका कामहरूप्रति र त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षाप्रति छौँ भने हामी एकै ठाउँमा उभिनुको मैले विकल्पै देखेको छैन। हाम्रो क्रान्तिको हाम्रो युद्धको यी सबै बलिदानको चाहिँ एउटा अंशको रूपमा अहिले पनि त्यो कार्यान्वयनको चुनौती हाम्रो अगाडि छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने चाहिँ कोसिसहरू बढेका छन्, किनकि माओवादी विभाजित भए, माओवादी कमजोर भए, कोही के भनेर हिँड्छन्, कोही के भनेर हिँड्छन्, त्यसको परिणाम उनीहरूले अब चाहिँ यो परिवर्तन उल्ट्याउन सकिन्छ। कार्यक्रम में बजेट नया शक्ति पार्टी नेपाल के संयोजक डाक्टर बाबूराम भट्टराई विचार नहीं मिलला के कारण स्वयं नया पार्टी खोल पड़ल बतौलने।
गुट उपगुट के कारण परिवर्तन के अभियान कमजोर हैत देखल गेला के बाद देश के आर्थिक समृद्धि के दिशा में लजाय के लेल नया पार्टी खोलने समेत दोहरौलने छे। संयोजक भट्टराई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ अपना बीच के संबंध अखनो तीत नहीं भेल रहितो वैचारिक मत भिन्नता सदखन कायम रहल समेत स्मरण करौलने। प्रचंड के बाद में भूमिका बारे में चर्चा करने गर्छन् त्यो कुनै हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध थिएन, अहिले पनि छैन, अहिले पनि कुनै देश पनि छैन, उत्तिकै सभागरता छ। तर विचारमा हाम्रो केही भिन्नताहरू छन्, हिजो पनि थियो र त्यही कारणले गर्दा हाम्रो अन्तरसँग त्यो विचारमै केन्द्रित थियो र अहिले पछिमै हामी फरक बाटो लाग्नुको पछाडि पनि विचारकै कारणले गर्दा अरू कुनै कारणले गर्दा होइन। यसमा कुनै पनि प्रकारको भ्रम कोही साथीहरूमा श्रोताहरूमा जनतामा नपरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। क्रान्ति हामीले गर्ने, परिवर्तन हामीले ल्याउने, तर त्यसको जस हामी लिन नजाने अरूले ल्यायो भने त्यसको रिसमा हामीले अरू बाह्य शक्ति लियो भनेर उद्धार गरिदिने, त्यो गल्ती हिजोका कम्युनिस्टले पनि गरेकै हो, मैले पनि गरेकै हो। सात सालको परिवर्तनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा भूमिका खेलेकै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै राणा शाहीको विरुद्धमा त्यहाँ सङ्घर्ष भएको, सदर सङ्घर्ष भएकै हो। तर संयोगले त्रिभुवनलाई दिल्ली पुर्याइयो र दिल्लीमा गएर सम्झौता भयो र नेपालमा भएको परिवर्तनको जस चाहिँ बाह्य शक्तिले चाहिँ लिने अवसर पायो र वामपन्थीहरू समेतले यो जम्मै बाह्य दिल्लीले गराइदिएको भनेर उद्धार गरियो, हामी पनि त्यही प्रश्नमा हुर्क्यौँ। संयोजक भट्टराई क्रान्ति के नेतृत्व करवला वर्तमान परिवर्तनकारी शक्ति सब जस लेब कहियो निषेक रहल स्पष्ट कयलने छ। किताब में माओवादी सशस्त्र युद्ध के बेर में फौजदारी रणनीति के विषय में उल्लेख समेत कयल गेल छ। प्रमुख दल सब राजनीतिक गतिरोध अंत के लिए निरंतर छलफल करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। संविधान संशोधन प्रस्ताव, निलंबित अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्क के विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन संबंधी कानून लगायत के विषय में सहमति जुटाव छलफल के लिए निरंतर वार्ता में बैसबाक सब दल सब सहमत भेल अछि। सभामुख अनुसरी घरती जारी कयने राजनीतिक गतिरोध अंत के लिए सोमदिन आह्वान कयने प्रमुख सात दलक शीर्ष नेता सब के बैसार में समस्या समाधान के लिए छलफल कर सहमत देखल गेल। दल सब अपन अपन दलीय अड़ान नहीं छोड़ने अछि। समस्या समाधान के लिए छलफल के निरंतरता देव दल सब बीच सहमति भेल। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलक उपनेता सुभाष चंद्र नेमवांग जानकारी देलने अछि। ओ आइए काल्हि में सहमति जुटाव दल सब तैयार रहल समेत स्पष्ट कयल अछि। यो छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्छ र छलफल औपचारिक अनौपचारिक दुवै ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसो गरेर यसलाई आजभोलि नै निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले देखिराख्नु भएको छ औपचारिक कुराकानी टुङ्गिए पछाडि पनि हामी अहिलेसम्म छेउकुनामा छलफल गरिरहेका थियौँ र विभिन्न तहमा विभिन्न दलहरूको साथीहरूको बिचमा हामी बिचमा छलफल भयो र यो छलफल अगाडि बढ्छ, भोलि पनि निरन्तरता यसले पाउँछ। नेकपा माओवादी केन्द्रकै प्रवक्ता पम्फा भुसाल संसद सुचारू करेबाक जकाँ प्याकेजमै सहमति गरेर दल सब पुनः छलफलमै जुट जेबाक निर्णय कयल गेल उल्लेख कयल अछि। ओ निर्वाचनके लेल आवश्यक तयारीमे लागल सब दल सब बीच एकमत देखल गेल समेत स्पष्ट कयने छलि। संसद अवरोध भएको बारे त्यसलाई खुलाउने र संसदमा दर्ता भएका संविधान संशोधनको प्रस्ताव, महाभियोगको प्रस्ताव, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरूलाई प्याकेजमा छलफल गरेर कसरी समाधान गरेर लिएर जाने भन्ने एजेन्डामा छलफल केन्द्रित थियो र सकारात्मक ढङ्गले छलफल भएको छ। प्रमुख तीन दल ऐसागु पुस 4 गते बैसल बैसारमै दुई दिनभित्रैमै सहमति जुटालेबाक प्रतिबद्धता जनाउने छन्। ओहि समयमर तीन दल औपचारिक छलफलमै समेत नै बैसलाके बाद सभामुख घरती संसदमै प्रतिनिधित्व करवला नम्बर सात दलके बैसार बजाउने छलि। बैसारमै सब दलके नेता सब संविधान कार्यान्वयनके लेल आवश्यक विषयवस्तुमै सहमति जुटाव छलफलमै बैस सहमत भेल अछि। एमाले सहितके विपक्षी दल सब संविधान निषेध केलाके कारण विषयवस्तु समेत समेटल गेल संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नै होबे धरि संसद बैसार सुचारू होभी नै देबाक आदान फेरसँ रखलक अछि। प्रमुख तीन दल निर्वाचनमे जाय तैयार भेल रहितो ओहिके लेल आवश्यक विधि आ प्रक्रियामे समान धारणा बनाव एखनो नै सेक रहल अछि। एमहर सत्ता साझेदार कांग्रेस निर्वाचनके मिति तत्काल घोषणा भेल तऽ संसद बैसार सुचारू कराव एमालेके दबाव पहुँचबाक निष्कर्ष निकालने अछि।
सत्ता साझेदार नेपाली कंग्रेस निर्वाचन के मिति घोषणा भेल तो संसद सुचारू होयबाक विश्वास व्यक्त कलक कंग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी सबके रवि दिन आ सोम दिन बैसल बैसार से स्थानीय निर्वाचन के मिति घोषणा भेला के बाद प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले के संसद अवरोध खोल के लिए आवश्यक दबाव पहुँचबाक निष्कर्ष निकाल गेल कंग्रेस नेता सब राजनीतिक गतिरोध अंत कर के लिए निर्वाचन के मिति घोषणा तत्काल होब पड़बाक सुझाव सरकार के दिलक एमाले समेत निर्वाचन में जाय तैयार भ गेला से निर्वाचन के मिति घोषणा हेत तो वही लगते संसद में देखल गेल गतिरोध अंत करबाक लेल कांग्रेस आ एमाले सब के तैयार भ जायत हुनक कहब छलन निर्वाचन में जाय के लेल कांग्रेस निर्वाचन आयोग के पूर्णता देबा पड़बाक लगात के चार बुदे प्रस्ताव समेत आगू घुसकौलक अछि निर्वाचन के मिति घोषणा केने लगते संसद बैसार सुचारू होयबाक आ तकरा बाद निर्वाचन संबंधी कानून तैयार करैत निर्वाचन आयोग के पूर्णता देबा पड़बाक चार बुदे निष्कर्ष में पार्टी पहुँचल महामंत्री डॉक्टर शशांक कोयराला जानकारी दिलन कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सचेतक चिनकाज श्रेष्ठ निर्वाचन के मिति तत्काल घोषणा कक अगाड़ी बढ़ पड़बाक धारणा रखलन अछि ओ चुनाव के मिति घोषणा भेला के बाद ओहि के लेल आवश्यक कानून संशोधन करय माले समेत तैयार होयबाक विश्वास व्यक्त केने छलथि खुकुलो बाटो निस्किन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो एमालेले पनि त बुझ्नु पर्यो कि संशोधन नगरिकन स्थानीय निर्वाचन त हुँदैन स्थानीय उसको निर्वाचन त हुँदैन त्यसैले संसद अवरुद्ध संसदलाई खोल्नु पर्यो निर्वाचनको मिति तय गर्नु पर्यो पहिलो फर्स्ट स्टेपमा दोस्रो अवरोध खोल्नु पर्यो तेस्रो यो के भन्छन् पूर्णता दिनु पर्यो आयोगलाई र चौथो चाहिँ निर्वाचनको लागि जे जे परिवर्तन गर्नुपर्ने उसमा संविधानमा त्यो परिवर्तन गरेर अगाडि जानु अब निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने एमालेले होइन हामीहरू सबै चाहिँ निर्वाचनको लागि तयार छौँ तुरन्त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ निर्वाचनको स्थानीय तह सम्बन्धी चाहिँ विधेयक पनि पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको छ होइन अस्ति भर्खर चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक छ निर्वाचन आयोगको अधिकार कर्तव्य सम्बन्धी विधेयक छ मतदाता नावारी विधेयकहरू पनि अहिले छलफल भइरहेछ समितिहरूमा त्यसलाई पनि त पास गर्नु पऱ्यो नि त निर्वाचन तुरन्त गर्नको लागि त्यस कारण पार्लियामेन्टको चाहिँ बैठक संसद चाहिँ नखोलिकन उपाय नै छैन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले समेत निर्वाचन के मिति तत्काल घोषणा हेत त संसद अवरोध खोलेबाक संकेत करैत आयल अछि प्रमुख दल सब निर्वाचन में जाय सहमत भेल रहितो ओकर विधि आ प्रक्रिया में समान धारणा बनाकर एखनो जाय नै सकि रहल अछि आ कांग्रेस आ एमाले के एकैटा लाइन आधार देखल जा रहल अछि संशोधन के धावत राखि कर निर्वाचन के मिति घोषणा कर दुनू दल रटान रटैत आयल अछि नेपाली कांग्रेस स्थानीय निकाय के निर्वाचन क के जाय सहज होयबाक धारणा समेत रखैत आयल अछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेश में मारकाट के उद्योग करवला सब अपना ऊपर बड़का बड़का आरोप लगौलने अध्यक्ष ओली अपन नेतृत्व के सरकार मधेश में मारकाट के उद्योग बंद करवला के बाद अपना के मधेश विरोधी के आरोप लगाओल के समेत स्पष्टीकरण दिलक काठमांडू में आयोजित मधेश भ्रम आ यथार्थ विषयक विचार गोष्ठी के संबोधन करैत अध्यक्ष ओली मधेश में द्वंद के व्यापार करवला सब जनता के एक के बाद दोसर भ्रम छीटक के काज के दावे कलन ओ स्वयं नेतृत्व के सरकार मधेश में व्यापक विकास के अवधारणा सहित बजट वितरण कला के बाद मधेश नाम के पार्टी सब में छटपटी शुरू भेल समेत उल्लेख कलन अध्यक्ष ओली नाकाबंदी भेल बेर में मधेश नाम के पार्टी सब नमहर आमदानी के समेत जिकिर कलन तर नाकाबन्दीको जिम्मेवारीलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने मैले गरेको भन्ने तिनका भुताना थियो थिएन नाकाबन्दी त्यो गर्ने कुरा हो तर त्यो गरेर देशलाई बोकै पार्ने त्यति बेला तराईका मुद्दा भनेर आन्दोलन गर्नेहरूले राम्रो आमदानी गरे राम्रो कमाई गरे बाँडे त्यो नाकाहरू कुन कुन ठाउँबाट कसले चाहिँ लिने उनीहरूले त्यो तस्करी कहाँ कहाँबाट ककसले गराउने र त्यसमा आएका अधिकार ट्रकका ट्रक ल्याउने तर कसैले मोटरसाइकलमा तेल हालेर ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई आगो लगाइदिने मान्छे मान्छ त्यो खालका कुरा यथार्थमा यी तराईका मुद्दा होइनन् तराईका समस्या होइनन्
होइनन् भन्ने कुरा तपाईँहरू कसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने म प्रधानमन्त्री भएको बेला त 47 मान्छे मारिसकेका छन्। तर नमार्ने भनेर म भन्दैछु, तर 47 मान्छे मार्ने जुन नेतृत्व गरेको थियो उहाँलाई भोट दिन नै उहाँहरू संविधान बनाउन नआउने, हाम्रा विरुद्ध भोट हाल्न उहाँहरू आउने, आएपछि त हामीले मारकाट बन्द गरायौँ। मारकाट बन्द गराएपछि उहाँहरूको बिजनेस धेरै घाटा पऱ्यौँ। हामीसँग एमालेसँगको विरोध किन, मसँगको त्यत्रो विरोध किन भने मारकाटको बिजनेस ठप्प। अध्यक्ष ओली स्वयं 55 वर्ष तराई मधेश में रहल रहितो मधेश के जमींदार नेता सब अपना मधेशी देखा निषेध रहल कहित आक्रोश व्यक्त कयने सब। वो भारत से आयल सब के मात्रे मधेशी देखा वाला सब तराई मधेश के जनता पर अन्याय कर रहल तर्क समेत रख लेने से। अध्यक्ष ओली भारत से आयल मधेशी होबाक मुदा पहाड़ से तराई मधेश में नीचा गेल आदमी सब मधेशी होबा निसकबा केना क हैत कहित प्रति प्रश्न समेत कयने छलथि। नेपालसँगै हाम्रो सबै नेपाली हामी एक हुनुपर्छ, त्यत्रो कुरा चलिराखेका छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली होइन त कसैले बनाएको छैन, एउटा प्यारोडी रमाइलोका लागि एउटाले प्यारोडी बनायो, दौरा सुरुवाल लाउन जान्दिनँ भन्दैमा नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ, कसले भनेको छ नेपाली होइन, आफै गीत बनाएको मात्रै भनेको त छैन कसैले नेपाली होइन भन्छ। प्रश्न यहाँ नेपालको अहित नेपाली भएरै पनि गरिराखेका छन्, त्यसमा नेपालको अहित नगर्नु भन्ने कुरामा जे होस् एउटा हामीले एउटा भ्रम राख्नु हुँदैन। नस्लवाद भन्ने एउटा यस्तो स्थापित गर्न खोजिएको छ, के हो नस्लवाद, नस्ल केलाई भनिन्छ, पहाडिया पनि नस्ल हुन्छ। अध्यक्ष ओली नेपाली भएका समेत राष्ट्र के हित में काम कर नै सकल सबके सचेत कराबक अभियान में अपन पार्टी के लाग पड़ल बतौलन। नेपाली कहब मुदा नेपाल के हित में काम नहीं करे वाला सबके कोनो हालत में स्वयं साथ नहीं देव, वो स्पष्ट कलन। मधेश आंदोलन के घटनाक छानबीन कर गठित आयोग पीड़ित तथा हुनक परिवार के उजुरी देवक लेल आह्वान केने एक महीना के म्याद सम्पन्न होबी लागल अछि। आयोग देने म्याद पूस 15 गते सम्पन्न भ रहल अछि, मुदा एखन धरि एक गोटे मात्र आयोग में उजुरी दर्ता कराने अछि। एक रिपोर्ट। मधेसी मोर्चा संग भेल तीन बुंदा के सहमति के आधार में भादो 2 गते सरकार मधेस आंदोलन के घटना के जांच कर सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लालक संयोजकत्व में 7 सदस्य रहल आयोग गठन केने छल। आंदोलन में भेल हिंसा हत्या आगलगी तोड़फोड़ सहित के सत्य जांच क प्रतिवेदन पेश क दोषी के कार्रवाई कर सुझाव देवाक जिम्मेवारी आयोग के देल गेल छल। एकर लेल सरकार आयोग के 6 मासक म्याद सेहो देने छल, मुदा गठन भेला 1 मास बाद अर्थात कार्तिक 1 गते आयोगक सदस्य सब से शपथ लेला के बाद काज शुरू भेल छल। आयोग पहिल चरण में पीड़ित से निवेदन लेल जेबाक कहैत अगहन 16 गते से पूस 15 गते धरि निवेदन देव सार्वजनिक आह्वान कयने छल। आयोग से देल गेल म्याद इहे शुक्र दिन समाप्त भ रहल छै, मुदा अखन धरि 1टा मात्र निवेदन पड़ल छै। हेटौड़ा रहनिहार तारानाथ चौलागाय अपन मिनी ट्रक में बंदकर्ता से सिरहाक लहान में आगलगी कयल गेल कहैत निवेदन दर्ता करौने छथि, आओर हत्या हिंसा आगलगी के संबंध में अखन धरि निवेदन नहि पड़ल छै। निवेदन नहि आयल पर दुख व्यक्त करैत आयोगक अध्यक्ष लाल अपना सब निवेदन के प्रतीक्षा कऽ रहल बतबै छथि। एउटा उजुरी चाहिँ आन्दोलनकारीहरुले ट्रक चलाएको भनेर यहाँ चाहिँ पढेको छ, र अन्य हिंसा हत्या आगजनी र अन्य घटनाहरूको सम्बन्धमा अहिलेसम्म उजुरी प्राप्त भएको छैन। 16 गते शनिबार परेको कारणले लास्ट म्यादेश यसै अनुसार पनि 17 गते हुन आउँछ, र उजुरी नपरेको कारण अब म त कसरी केलाउँ, अब उजुरी दर्ता गर्नेहरूले यहाँ चाहिँ जानकारी लिइरहेछन्, यहाँबाट चाहिँ
आफ्नो कम्युनिकेसनमा धेरै जना हुनुहुन्छ, मानवाधिकारवादी संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। निवेदन देवाक लेल काठमाडौँमा ज्या पढ़वाक बाध्यात्मक अवस्था सेहो नै छ। आन माध्यम सबसँ सेहो निवेदन देल जा सकबाक आयोग व्यवस्था कयने अछि, जेना मानवाधिकारवादी संघ संस्था, राजनीतिक दल सब आ आयोगक वेबसाइट में जाकर सेहो अपन निवेदन दर्ता कराओल जा सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। एकर संगे जिला प्रशासन कार्यालय आ जिला विकास समिति के माध्यम से सेहो निवेदन देल जा सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। आयोग 11 बुंदा राखि कऽ फार्म निकालने अछि, जाहिमे घटना के क्षति के विवरण, घटना घटाव जिम्मेवार व्यक्ति के नाम, पद आ घटना के सबूत प्रमाण समेत पेश कर कहल गेल अछि। हामीले फर्म डेभलप गरेका छौं, यो 11 बुदाहरू तपाईहरु आफ्नो उजुरीमा खोलाउनु होला भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका छौं। त्यो 11 बुदाहरू मध्ये खोलाउन नसक्ने बुदाहरूलाई केही छैन, पछि खोलाउनुहोस् अथवा नखोलाउन सक्नेलाई अब उजुरीमा खोलाउनै पर्ने भनेर हामीले त्यो कुरा भनिरहेका छैनौँ र विभिन्न किसिमले जानकारी चाहिँ भएको छ। आयोगसँग देल गेल 6 मासमा 4 मास बित चुक्लासँग निवेदनक लेल फेर म्याद देवा कि नै देवाक एहि विषयमे किछो नै कहने छै। आयोग पहिल चरणमे पीडितसँ निवेदन लेबाक बतौने छल, ओना तँ आयोग अपना दिशसँ सेहो तथ्य सङ्कलनके काज शुरू कऽ चुकल अछि। राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाके प्रतिवेदनसँ सेहो जानकारी लेबाक आयोग जनौलक अछि। एकर सङ्गे अडियो भिडियो सहितके सेहो विश्लेषण करबाक आयोग जनौने अछि। त्यसपछि चाहिँ हामी उजुरी जानकारीहरू आएको आधारमा अब हामीहरू स्थलगत भ्रमण गर्छौँ, अन्य माध्यमहरूबाट पनि त्यो तथ्यमा कुन कुरा सही हो, कुन कुरा गलत हो भन्ने हामीले चाहिँ जानकारी पाउने प्रयास गर्छौँ। अन्य संस्थाहरूले पनि जति सङ्कलन गराएको छ त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट पनि जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ बुझ्नुपर्ने पक्षहरू जुन छ, अब निवेदकलाई नै केही कुरा अझ खोलाउनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ आह्वान गर्न सक्दछौँ। त्यसपछि चाहिँ विपक्ष जो छन्, जो चाहिँ पीडक पक्ष हुन्छन्, उनीहरूसँगलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाणहरू पनि जुन हामीले फेला पार्छौँ, अडियो भिडियो जति जुन प्रमाणहरू छ त्यो सबैको सकभर विश्लेषण गरेर त्यसपछि चाहिँ मात्रै प्रतिवेदनको फेज हुन्छ। यो सबै कुरा गर्दा गर्दै 6 महिनाको समय चाहिँ हाम्रो लागि अपर्याप्त हुन्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भनेर आइरहेका छौँ। आयोगसँग बहुत कम समयमै बहुतै काज गर्न बाँकी छ, मुदा पहिल चरणमै पीडितसँग निवेदन नै पढ्लाके बाद आयोगक 1 मासक समय ओनाहिते बेकार भ गेल छ। तैयो किछु दिन बाँकी रहलासँ आओर निवेदन अयबा कहिकऽ आयोग प्रतीक्षा कऽ रहल छ। अपन टेलिभिजनक लेल अजय शाह शिवाली। मधेश आंदोलनक घटना के जांच बुझ करबाक लेल गठन कयल गेल उच्चस्तरीय जांच बुझ आयोग में निवेदन देबाक लेल देल गेल 1 महीनाक म्याद समाप्त होबाक किछुए दिन बाकी अछि, मुदा एखन धरि कहिटा मात्र निवेदन आयोग में पड़ल अछि। एहि विषय में सर्वसाधारण सब से पूछने छलहुँ, जांच बुझ आयोग में एखन धरि एकहिटा मात्र निवेदन पड़ब के अपने सब कोन रूप में लऽ रहल छी? अहाँक बात जहिनाक तहिना। उजुरी नहीं जाके सबसे प्रमुख कारण है, जो सब शहीद भेलथिन हुनकर परिवार सब खास कर अशिक्षित बेसी छथिन, सूचना के अभाव भेलै। मधेश में जे अगुआ नेता सब छै उ सब ओहि पर जेहन ध्यान देबक चाही तेहन रूप में ध्यान नहीं देलकै, और जे ये मीडिया सब छै उहो ओहि बात के प्रचार प्रसार बेसी नहीं केलकै, जैसे आम जनमानस में आम जनता में कहिया समिति गठन भेलै, कहिया धरि म्याद छै, ते चीज के सूचना के अभाव रहै। व्यक्तिगत रूप से हमरा जे अभी तक मधेश आंदोलन में जितने भी क्षति हुई है, गोली सीने में और माथा में ठोक के मारा है, वही सरकार निर्दय सरकार कह रही है कि आओ आओ के तुम लोग कितने पीड़ा में हो, उल्टे गोली मारा भी है और बुलाते भी है, इसलिए वो सरकार हत्यारा सरकार, उसका विश्वास जनता को नहीं है, न पार्टी वाले को है, जो उनको उचित न्याय दे पाएंगे वो विश्वास खो चुके हैं मधेश से, इसलिए मधेशियों पर मधेशियों को कोई औचित्य नहीं है उस सरकार के पास गिर गिराने का। तीनों तरफ से गलती, एक टा मैंने जो पीड़ित पक्ष तेकरो गलती भेले, मैंने वो सुसूचित नहीं भ सकले, या पार्टी जो मधेशवादी दल सब तेकरो गलती भेले कि वो जे पीड़ित पक्ष के उसका हक नहीं दिलके, ओकरा अग्रसरता नहीं कलके, आ दोसर
सरकारों के गलती है जे सरकार सबसे मेन दोषी अखन हिसाब से मधेश आंदोलन के जे मेन भूमिका इम्हर से खेलने छे नेता कार्यकर्ता खेलने छे एक मेन कमी कमजोरी देखा पड़ल छे दुआरे कि जो छे एक मधेश कार्यकर्ता और नेता ये सब छे एक खोज तलाश का उजुड़ी दियाव चाहिए और नहीं दिल के से एक मेन कमजोरी अपने प्रश्न भरल का एक घुमा के गुमराह कर के मधेश के एक जे है पछाई पारक के जे है और शहीद सब के बदलामी अखनो तक शहीद के नाम पर मैं सब खेल जे अहाँ के जे एक षडयंत्र मधेश के पछाड़ी धकल जा रहा है से प्रश्न देखा पड़ रहा है। उजरी नहीं जाए के कारण की है कि दू पक्ष है सरकार पक्ष आ एम्हर मधेशवादी पक्ष दुनू पक्ष अभी कोनो कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ावे के स्थिति में नहीं भेला के कारण वही जो उजरी नहीं पहुंचल। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल में लहान के 200 से बेसी नेता कार्यकर्ता सब प्रवेश के लगे नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत विभिन्न पार्टी परित्याग कर नम्हर समूह में फोरम नेपाल में प्रवेश कैल गए। सिराहाक क्षेत्र नंबर एक पोखर भिंडा में आयोजित पार्टी प्रवेश तथा वृहत सभा में स्थानीय क्षेत्र में मजबूत प्रभाव आ पकड़ जमौने नेता कार्यकर्ता सब ओमे प्रवेश केने छे। नेपाली कांग्रेस के प्रेम कुमार यादव बेचू महतो राजा राम यादव नेकपा माओवादी केन्द्र के श्याम देव शाह हेम शंकर यादव नीरज सिंह आ पांडव यादव के नेतृत्व में फोरम नेपाल में प्रवेश कैल गए। फोरम नेपाल के केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री राजलाल यादव प्रमुख अतिथि रहल ओहि समारोह में नेकपा एमाले के नेता बेचू मंडल चुल्हा यादव सुनील यादव मागेन मोची आ मोतीराम के नेतृत्व में कार्यकर्ता सब प्रवेश कैलक। विशिष्ट अतिथि में केंद्रीय सदस्य सत्यनारायण यादव सहित समाजवादी युवा फोरम नेपाल के केंद्रीय महासचिव अजय कुमार यादव लगायत के समेत उपस्थिति छल। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी सब कार्ल मार्क्स के जड़सूत्रवाद के रूप में बोझ नहीं होबाक स्वीकार कैलक। नेकपा माले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्र के वरिष्ठ नेता नारायण काज श्रेष्ठ आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी मार्क्स के जड़सूत्र के रूप में बुझला पर समस्या होबाक धारणा रखलें। मार्क्स के 200वीं जन्म जयंती के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल मार्क्सवाद ज्ञान विज्ञान भेला से एक जड़सूत्र के रूप में बुझ नहीं होबाक उल्लेख कलन वो मार्क्सवाद के काम करबाक सिद्धांत के रूप में बुझ पड़बाक आवश्यकता में समेत जोर दिलने थालियो भने यो मृत सिद्धान्त हुन पुग्छ। यो त हाम्रो कामको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त हो। यो कुनै मृत विचार होइन, कुनै अपरिवर्तनीय यो अमूर्त सिद्धान्त पनि होइन, यो शास्त्रवाद वा शास्त्रीय चिज पनि होइन। त्यसको ठिक विपरीत एउटा विज्ञान हो, सजीव विज्ञान हो, एउटा विकासशील विज्ञान। नेकपा माओवादी केन्द्रक वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश मार्क्सवाद के जड़सूत्र के रूप में बुझला पर नेपाली क्रांति सम्पन्न कर के चुनौती सब थपित गेल उल्लेख कलन। वो बदलित परिस्थिति अनुसार अगाड़ी बढ़ वाला सिद्धांत में मार्क्सवाद भेल समेत स्पष्ट कलन। मार्क्सवादलाई नीतिवादको रूपमा जड़सूत्र ढंगले बुझ्ने जो प्रक्रिया सुरुवात भयो त्यो प्रक्रियाको विरुद्ध मार्क्स रहनुभयो र यस्तो मार्क्सवाद हो भने यसले मार्क्सवादको हत्या गर्छ। त्यसैले आज मार्क्सवादका सामु देखा परेको एउटा ठुलो समस्या के हो भने मार्क्सवादलाई यो मूलभूत रूपमा यो दृष्टिबिन्दु हो, दृष्टिकोण हो भनेर बुझ्नै पर्नेमा सिद्धान्तको थुप्रो मात्रै रूपमा एउटा निष्कर्षको थुप्रो कुरा बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ सूत्रको रूपमा बुझ्ने चलन छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी मार्क्सवाद मानव जातिको हितको लागि आयल अवधारणा भेल बतौलन। ओ नाता गोता परिवारजन के नै भ मार्क्सवाद समूचा मानव जाति के सेवा कर प्रभाग में सबके सचेत करुने समेत बतौलन। कार्यक्रम में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स समय के गति के पकड़ कर अगाड़ी बढ़ सदिखन प्रेरित कर रहा विश्वास समेत व्यक्त कैल गया। संसद के चारिम नम्हर दल राप्रपा संविधान संशोधन विवाद निष्कर्ष लगाब संयंत्र बनेबाक प्रस्ताव रखलक। सभामुख अनुसारी घरती मगर के आह्वान में सोम दिन बैसल प्रमुख सात दल के बैसार में राप्रपा के अध्यक्ष थापा एक महीना भीतर विवाद निष्कर्ष लगाब जगह एक संयंत्र गठन के प्रस्ताव कलने।
सरकार संशोधन फिर्ता नै लेबाक आइमाले सदन चलाउने देबाक अडानमे रहेर लागे कारण मधेसवादी दलसबके संविधानके दायरा भित्र लाभ नै सकबाक आ 2074 माघ 7 भित्र चुनाव गर्नै सकलकेल त संविधान फेल होबाक खतरा रहल ओकर विश्लेषण अछि। थापा प्रमुख दलक शीर्ष नेता सबके संयन्त्र बनाकर संशोधनमे सहमति खोज प्रभागमे जोड़ दलक अछि। स्थानीय तह पुनर्संरचनाक लेल गठित आयोग प्रतिवेदन तैयार भ चुकल कहैत बुझि देब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के पत्रसार कलक अछि। आयोग अगिलका सप्ताह प्रतिवेदन बुझाव चाहने छल मुदा प्रधानमंत्री प्रचंड समय नै द रहल अछि। एम्हर सत्ता साझेदार दल सब बीच भेल छलफल अनुसार प्रधानमंत्री किछु समय प्रतीक्षा कर आग्रह कयने छल। संविधान अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना के बाद स्थानीय निकाय स्वतः भंग भ जायत मुदा सरकार अइके विषय में की करबाक एखनो निर्णय कर नै सक रहल अछि। साथै प्रमुख राजनीतिक दल सब बीच स्थानीय निकाय के पुराने संरचना के चुनाव करबाक समेत बहस चल रहल अछि मुदा आयोग सोम दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र पठाकर स्थानीय तह के सीमा आ संख्या सहित प्रतिवेदन बनि चुकला के कारण बुझाव के समय मिला देव आग्रह कलक अछि। सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन के पहिल प्राथमिकता में रखने अछि। स्थानीय विकास मंत्री हितराज पांडे स्थानीय तह के निर्वाचन के ध्यान में राखिकर सरकार स्थानीय तह पुनर्संरचना के काम के पूर्णता देव लायक पड़ल बतौलने अछि। ओ स्थानीय तह के निर्वाचन कराब सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव लाभ पड़ल समेत दोहरौलने अछि। सोम दिन आयोजित एक कार्यक्रम में बजट मंत्री पांडे सब के साथ में लग निर्वाचन में जाय सरकार तैयार रहल समेत धारणा रखलनि। संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय तहको पुनर्संरचना निर्वाचन सँगसँगै संविधान संशोधन र यी सबैले नेपालका सबै राष्ट्रियताहरूलाई एकीकृत गर्ने सबैका समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्ने सोचका साथ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार सबैलाई छलफललाई व्यवस्थित गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संविधान क्रियान्वयनका साथ अगाडि बढ्न अपिल गरिरहनु भएको छ। मन्त्री पाण्डे संविधान कार्यान्वयनको लेल सरकार निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने समेत स्पष्ट गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल आपके पुलिस जनता के विश्वास आ भरोसा के केन्द्र बिन्दु बन प्रभाग में जोर देने अछि। महानिरीक्षक अर्याल जनता संग सुसंबंध कायम नै कयल गेल ते नेपाल पुलिस अपन कर्तव्य निर्वाह कर नै सकबाक समेत स्पष्ट कयलनि अछि। ललितपुर के मंगल बाजार में निर्मित महानगरीय प्रहरी प्रभाग के भवन उद्घाटन करैत ओ प्रहरी के जनता सत्रास के रूप में ल रहल उल्लेख करैत आब नेपाल पुलिस जनता के सबसे भरोसेगर योग्य विश्वास पात्र बन प्रभाग आवश्यकता में जोर दिलनि। वो जनता के विश्वास जीत का मात्रे अवरोध अनुसंधान सहित समाज में शांति सुव्यवस्था कायम राख नेपाल पुलिस सफल होबाक विश्वास समेत व्यक्त कलन। अब का प्रहरी त्रास होइन, अब का प्रहरी आज को भरोसा को केन्द्र बिंदु बन सक्नु पर्छ। अब को पुलिस लाई जनताले विश्वास गर्न सक्नु पर्छ। आफूलाई प्रहरीले विश्वास योग्य बनाउनु आजको हाम्रो प्रहरीको प्रमुख आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। जनताले समाजले विश्वास गरेन भरोसा गरेन भने प्रहरी रहनुको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसै कारणले अब त्रसित हुने पालो अपराधीको हो, अब त्रास उत्पन्न हुने पालो गुन्डाको हो, आम नागरिकको होइन। अपराध अनुसन्धान के काम के और प्रभावकारी ढंग से सञ्चालन गर कहित ललितपुर के मंगल बजार में महानगरीय प्रहरी प्रभाग कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। भवन निर्माण में स्थानीय जनता के सहयोग उल्लेख्य रहल नेपाल पुलिस जनौलक अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा समेत एक समारोह के आयोजना का 123वां माओ दिवस मनौलक अछि। माओवादी केन्द्रक धनुषा इंचार्ज झलकू यादव के अध्यक्षता में भेल एकटा कार्यक्रम में बाजावला नेता लोकनि सम्पूर्ण माओवादी शक्ति सब एक होब प्रभाग आवश्यकता आ अवस्था आयल बतौलनि। हम सब एक नै भेली त प्राप्त भेल सम्पूर्ण उपलब्धि सब समेत घुमि जायत आ बाँकी रहल परिवर्तन सब समेत प्राप्त होब नै सकत कहित निर्वाचन के तैयारी में सचेत भक लाग कार्यकर्ता सब के ओ सब आग्रह कयलनि।
संगे जीते जी तो फिर जो अधिकार हम सब जो मिलल अधिकार और बाद बाकी जो अधिकार हमरा सबके लेब के छे बेसी अधिकार वही के लिए जब तक चुनाव के मार्ग में हम सब कटिबद्ध होके नहीं जब नहीं भिड़ब तो हम सब बात जैसे नहीं पूरा कर सकें ते दुआरे हम बेसी बात नहीं कहब एक अपने सबके विनम्र अनुरोध करब कल के दिन में कोनो भी चुनौती के जैसे सामना करने के लिए सभी साथी सब एकजुट होके कल के मैदान में संपूर्ण साथी सब एकताबद्ध होके हम सब जाए तो निश्चित धनसा जिला में कल हम सब बड़का पार्टी होब पछहत्तरों जिला में बड़का पार्टी होते कल केंद्र में हम सब नेकपा माओवादी के बहुमत के सरकार होते तो निश्चित हमारे सबके जैसे गरीबी आ शिक्षा बेरोजगारी या जगह जैसे बहुत कुछ जैसे जो भर रहा है। ओहि अवसर में नेता लोकन माओ सेतुंग के समेत याद कने छल। कम्युनिस्ट सब के संगठन विस्तार में माओ खेलने भूमिका आ योगदान के विषय में नेता लोकन चर्चा परिचर्चा कने छला। लिंबू मुक्त नहीं भेल जते मधेसी पार्टी है कुर्सी ले लड़ाई करे छे तू ही शोषण करे छे प्रचंड तू ही माधव ने बला गाड़ी बढ़े तू ही गिर जा गए हमरो बढ़ा दे तू ही खेबे हमरो खा दे मधेसी के संगठन शोषण में कैसे मूल पहाड़ी भोटे लामा मगर आय लिंबू नेबा प्रधानमंत्री हो दिलिये जेहे राजा कल के से तो हम वहाँ कर रहे थे माओ सेतुंग के विचार नहीं थे गांधी जी के विचार नहीं रहे जिन्ना ही नहीं कहने रहे अंग्रेज को भगाओ। हम अपने के की कह चाहे जी माओवादी आंदोलन से जम्मा जमी अ देश में चार पाँच गो सिद्धांत चार पाँच गो अधिकार प्राप्त भेले राजतंत्र के हटा के ये गणतंत्र घोषणा कल गए नेपाल के अय जे से अहाँ के संहिता संघीय प्रणाली घोषणा कल गए अय जे से समानुपातिक समावेशी प्रणाली लागू कल गए अय जे से धर्मनिरपेक्षता लागू कल गए संघीय प्रणाली के जहाँ तक बात करब वही जे से मधेसी जनता के एगो संघ के जे से एगो प्रदेश के जे से अहाँ देखब दू नंबर प्रदेश इतना जे से अहाँ के मधेसी जिला के मधेसी सबके आठ गो जिला के मात्र जे से एगो। ओहि अवसर में पार्टी के केंद्रीय सचिवालय सदस्य सरवन यादव बरबरिया रामचंद्र मंडल देव सागर दास अब्दुल हलीम महादेव यादव असरफी भिनवार सहित नेता सब संबोधन कने सब। काठमांडू में 200 से बेसी पत्रकार सब के निःशुल्क मृगोला रोग परीक्षण कल गए प्रेस यूनियन के आह्वान में सोम दिन पत्रकार सब के मृगोला रोग परीक्षण के लिए शिविर संचालन कल गए शिविर में चिकित्सक सब मृगोला रोग के लक्षण आ वैसे बाँच वाला उपाय सब अपनाब पड़बाक सावधानी के विषय में समेत पत्रकार सब के परामर्श देने छल। ओहि अवसर में बजट स्वास्थ्य मंत्री गगन थापा सरकार सर्वसाधारण नागरिक के सस्ता में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करेबाक प्रयास अगाड़ी बढ़ा रहल बतौने छल। ओ स्वास्थ्य बीमा कर समेत सब नागरिक सब के आह्वान कने छल स्वास्थ्य बीमा कलक तो उपचार इलाज खर्च दीर्घकालीन रूप में समेत सहज भजेबाक ओ स्पष्ट कने छल। स्वास्थ्य मंत्री थापा हृदय किडनी सहित के बहुते धनराशि खर्च होबे वाला इलाज सबके सहज बनाब अंचल अस्पताल सब में समेत दवाई इलाज में छूट के व्यवस्था मिलाल जेबाक समेत जानकारी दिलन। रूप में तो अरुण कुछ बाटो छैन स्वास्थ्य बीमा नै बाटो स्वास्थ्य भनेर स्वास्थ्य बीमा को बिल अहिले हामीहरु पुस महीना भित्र पार्लियामेंट में लिएर जाने भनेर काम गरिरहेका छौं। दोस्रो कुरा हो अनि अर्को कुरा भनेको औषधिलाई कसरी सस्तो बनाउने जसले गर्दा उपचारलाई जति सक्यो त्यति सस्तो बनाउ जसरी डायलिसिस गर्ने कुरा किडनी को डायलिसिस गर्ने कुरा अञ्चल अस्पताल में सब ठाउँ सुरु गर्दैछौं सबैको उपचार एउटा उद्देश्य भनेको उपचारलाई सस्तो बनाउ। स्वास्थ्य मंत्रालय देशभर के निजी अस्पताल सबके समेत इलाज में 10% छूट देव के व्यवस्था मिलौने। उद्योगी व्यवसायी सब उद्यम मैत्री वातावरण बनाब सरकार संग मांग कलक निजी क्षेत्र के उद्योगी व्यवसायी सब सरकार लगानी मैत्री वातावरण निर्माण में अलमल कर रहा कहित असंतुष्टि समेत व्यक्त कलक। उद्योग मंत्रालय के सोम दिन आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष पशुपति मुरारका सरकार लगानी के लिए पूंजी त्वेक का छोट तथा घरेलू उद्यम विकास में कोदारि मारा के काम कर रहा आरोप लगौलन। ओ पूंजी तोकल गेला के बाद छोट उद्यमी सब हतोत्साहित भ रहा आ वैसे राष्ट्रीय उद्यम विकास के बाट में एकदमे अवरोध सृजना भ रहा
अनुमति अनुभूति सुनौलने अध्यक्ष मुरारका उद्योग मंत्रालय छोट छीन नीतिगत व्यवस्था समेत निकला के कारण देश के आर्थिक विकास के गति तीव्र होब नहीं सकल धारणा रखल घरेलू तथा साना उद्योग न्यूनतम पूंजी तोकमा उद्योग प्रकृति तोके अनुसार 20 लाख 25 लाख 30 लाख भाग कम पूंजी में उद्योग कर सकिन्न अब जो यदि सानो व्यक्ति छ भने म 5 लाख में उद्योग गर्न चाहन्छु भने गर्न पाउने कि नपाउने हामीले बारम्बार भन्यो यो पूँजी तोकिएकोलाई हटाइदिनुस् हामी एकातिर उद्योगलाई आकर्षण गर्छौँ अर्कोतिर पूँजी तोकेपछि उनीहरू आउन सक्दैन नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा कानूनी तथा प्राविधिक जटिलता के कारण नेपाल में औद्योगिक लगानी के वातावरण बन नहीं सक रहा आरोप लगाने निजी क्षेत्र के व्यवसायी लोग नेपाल सरकार संघीय ढांचा अनुसार के औद्योगिक ऐन लाभ समेत देरी नहीं करवाक चाहिए में जोर देने पदावधि समाप्त भक संयुक्त राष्ट्र संघ से आगामी वर्ष के शुरुआते से विदाबारी लेब लागल वर्तमान महासचिव वान की मून निकट भविष्य में होब रहल दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति निर्वाचन में उम्मीदवारी देवाक तैयारी में लागल संयुक्त राष्ट्र संघ में लगातार दू बेर 10 वर्ष धरि सफलतापूर्वक महासचिव पद के भूमिका निर्वाह कने मून दक्षिण कोरियाली राष्ट्र तथा राज्य प्रमुख पद में आसानी से विजय होबाक अनुमान स्थानीय सर्वेक्षण सब देखा रहा है सोल के बहुचर्चित स्थानीय एक सर्वेक्षण संस्था रियल मीटर गत 19 गते 27 दिसंबर धरि देशभर के विभिन्न समुदाय के 2,528 गोटे मतदाता समक्ष संचालन के एक सर्वेक्षण में अधिकतम अर्थात 23.3% मान हासिल कलने अंक एकर एक हफ्ता आगू वही संस्था के सर्वेक्षण में प्राप्त अंक से 2.8% से बेसी देखल जाते स्पोर्ट्स न्यूज धनसा में जारी सिपुर प्रीमियर लीग एसपीएल क्रिकेट अंतर्गत सोम दिन भेल खेल में टिल्ही क्रिकेट टोली विजय भेल सिपुर के 52 बीघा में भेल खेल में टिल्ही क्रिकेट टोली रॉक स्टार क्रिकेट टोली के 95 रन से पराजित कलक टॉस जीत कर पहले बैटिंग के टिल्ही 16 ओवर में 159 रन बनाकर ऑल आउट भगल सर जवाब में बैटिंग के रॉक स्टार 13 ओवर में मात्र 55 रन बनाकर ऑल आउट भगल प्रतियोगिता में 43 रन बनाने सरोज कुमार मैन ऑफ द मैच घोषित भेला प्रतियोगिता अंतर्गत मंगल दिन धट्टाटोल आ सोनापरा हीरा क्रिकेट टोली बीच खेल प्रतिस्पर्धा है प्रतियोगिता में धनुषा महतरी के 32 टीम के सहभागिता है मध्यमांचल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज एमआरईसी में जारी खेल सप्ताह के 5वें दिन क्रिकेट रंगोली आ पेंटिंग के खेल सब भेल कॉलेज के स्पोर्ट्स वीक अंतर्गत सोम दिन भेल क्रिकेट में TSLC इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर 3rd वर्ष के पराजित कलक तहिना दोसर खेल में कंप्यूटर 1st वर्ष इलेक्ट्रिकल 2rd वर्ष के पराजित कलक प्रतियोगिता अंतर्गत क्रिकेट के फाइनल खेल मंगल दिन होयत तहिना के सोम दिन भेल रंगोली प्रतियोगिता में कर्णजीत साक्य 1st सुनील कुमार दास 2nd राम हृदय यादव 3rd भेल छलथि तहिना पेंटिंग प्रतियोगिता में विशाल मालाकार कर्णजीत साक्य आ राजेंद्र कापड़ क्रमशः 1st द्वितीय आ 3rd स्थान प्राप्त कने छला सातम वृहत राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत 70 सदर मुकाम राजविराज में संचालन भ रहा भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिला दिस 2 खिलाड़ी सब राष्ट्रीय कीर्तिमान बनौली है नेपाल पुलिस के देवी चौधरी 53 किलो तौल समूह में आ नेपाली सेना के कमला श्रेष्ठ 58 किलो तौल समूह में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान कायम कल चौधरी अपने नाम के कीर्तिमान भंग करवा क्रम में सनाइच में 60 आ क्लीन एंड जर्क में 78 का कुल 138 कीर्तिमानी तौल बैक का स्वर्ण पदक जीत सफल भेल ऐसा गुण के नाम में सनायक दिस 58 आ क्लीन एंड जर्क में 77 का 135 किलो तौल उठाब के कीर्तिमान छ वही तौल समूह में नेपाल पुलिस के संगीता राय 104 किलो उठाकर रजत तथा पश्चिमांचल के टीका माया गुरुंग 92 किलो तौल उठाकर कांस्य पदक प्राप्त कल सोमदिन 58 किलो तौल समूह में नेपाली सेना के कमला श्रेष्ठ सोना चैतक दिस 66 आ क्लीन एंड जर्क दिस 79 का कुल 145 किलो उठाकर नया कीर्तिमान कायम करे
स्वर्ण पदक प्राप्त कल ऐसे आगू वही तौल समूह में 140 किलो के कीर्तिमान कायम कल गए। पुरुष दिश के 69 किलो तौल समूह में मध्य पश्चिम के प्रकाश केसी 281 किलो उठाकर स्वर्ण, नेपाली सेना के भुजू बहादुर सारू 197 किलो उठाकर रजत तथा नेपाल प्रहरी के ओम प्रकाश वैश्य 187 किलो उठाकर कांस्य पदक प्राप्त कने। पुरुष दिश के 77 किलो तौल समूह में नेपाली सेना के सुरेंद्र श्रेष्ठ 205 किलो उठाकर स्वर्ण, नेपाली सेना के राजू चौधरी 195 किलो उठाकर रजत तथा मध्यमांचल के सरोज यादव 162 किलो तौल उठाकर कांस्य पदक जीत सफल भेल। पुष 13 गते धर चल वाला प्रतियोगिता में 15 स्वर्ण के लिए पांचों विकास क्षेत्र के 3 विभागीय टोली का 123 गोटे खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा जिला भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष महेश यादव जानकारी दिलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से, संविधान संशोधन आ परिमार्जन करे सबके मिलाकर लजेबाक प्रधानमंत्री दहाल के दृढ़ता, बाबूराम के कलन बराई। सभामुख अंसारी के अगुवाई में भेजल 7 दलक नेता सबके विचार बिना निष्कर्ष संपन्न, वार्ता जारी रखबाक दल सबक निर्णय। निर्वाचन के मिति घोषणा है तो संसद सुचारू होबाक सत्ता साझेदार, नेपाली कांग्रेस के विश्वास चुनावक मिति समस्या के समाधान होबाक। एमाले अध्यक्ष केपी ओली के प्रश्न, भारत से आयल सब मधेशी आ पहाड़ से तराई मधेश धरल सब मधेशी किया नहीं भर रहा है। आ संयुक्त राष्ट्र संघक महासचिव के जिम्मेवारी से विदा भर रहा मून, राष्ट्रपति चुनाव लड़बाक तैयारी। अपन न्यूज एखन के लिए लतबा पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।